लेकिन दोस्तों ट्विस्ट वाली बात बताता हूँ, रेडमी वाले बेशक 18 वॉट का सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 10 वॉट का ही चार्जर मिल रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स होट 11 2022 वर्सेस रेडमी 10 स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ रेडमी के अंदर हमें 6.7 इंचेस की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एचडी प्लस तुमसे दिख तो यार इन्फिनिक्स ही है। बढ़िया भाई, फुल एचडी दे रहे हैं दोस्तों, यानी कि डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स का फोन ही बेस्ट है। और वहीं अगर मैं बात करूँ पिक्सल डेंसिटी की तो इन्फिनिक्स फोन के अंदर है 393 ppi की, वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के अंदर है 268 ppi की। बहुत कम है यार 268 ppi, यानी कि दोस्तों पिक्सल डेंसिटी के मामले में भी यहाँ पर इन्फिनिक्स का फोन ही बेस्ट है। और वहीं अगर मैं बात करूँ एस्पेक्ट रेशियो की तो दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है जो कि XOS 10 के लाइटर वर्जन पर बेस्ड है, और वहीं दूसरी तरफ रेडमी का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर रेडमी का फोन ही विनर है। और अब बात करते हैं दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स के अंदर हमें यूनिसॉक T6104G चिपसेट दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और वहीं दूसरी तरफ रेडमी के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 684G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों चिपसेट के मामले में जो स्नैपड्रैगन 680 है ना भाई, तगड़ा चिपसेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिसॉक वाला बेकार है, ये भी बढ़िया है। और वहीं अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के एंटूटु स्कोर की तो इन्फिनिक्स के फोन का आता है 1,80,000, वहीं दूसरी तरफ रेडमी के फोन का आता है 2,20,000। यानी कि दोस्तों एंटूटु स्कोर के मामले में यहां पर रेडमी वाले थोड़ा सा आगे हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स के फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर रेडमी वाले बेस्ट है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2K या 4K का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता आपको दोनों स्मार्टफोन में। ऑब्वियस ही बात है यार, कैमरा ही बेकार से है इसलिए। और साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ रेडमी के फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स वाले ठीक है भाई, आगे ही है, इससे तो बढ़िया ही है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इन्फिनिक्स से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेडमी से आप सिर्फ 720 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रेडमी के अंदर हमें 6000 mAh की उससे भी बड़ी बैटरी दी गई है। और वहीं अगर मैं बात करूं फास्ट चार्जिंग की तो इन्फिनिक्स का फोन यहां पर 10 वॉट की मतलब सिंपल चार्जिंग को सपोर्ट करता है, फास्ट नहीं कह सकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेडमी का फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट वाली बात बताता हूं, रेडमी वाले बेशक 18 वॉट का सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन मोबाइल बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ 10 वॉट का ही चार्जर मिल रहा है। यानी कि ये भी भाई इसके जैसा ही है, इन्फिनिक्स जैसा ही। और वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों कि ये दोनों फोन 4G है, मींस क्या 5G को लेके फ्यूचर प्रूफ नहीं है भाई। और अगर बात की जाए 3.5mm जैक की तो हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें सिंगल स्पीकर दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो इन्फिनिक्स का फोन यहाँ पर इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ रेडमी का फोन रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है।
यार रियर माउंटेड तो भाई बंद हो गया ने, अब तुम क्यों दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्फिनिक्स से ही सीख लो भाई, इनसाइड दे रहे हैं बंदे। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में भाई इन्फिनिक्स वालों मजा आ गया कसम से। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दो कि इन्फिनिक्स फोन के 4+64 GB वेरियंट की इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है 8,999 रुपए। वहीं दूसरी तरफ रेडमी फोन के 4+64 GB वेरियंट की कीमत है 10,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, इन्फिनिक्स को या रेडमी को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो भाई मैं तो यार यहाँ इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं रेडमी के मुकाबले। बाकी दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।